मेष, आपका दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। धन का खर्च भी करना पड़ेगा, फिर भी नए मित्रों के साथ पहचान होने की भी संभावना ज्यादा है, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायी रहेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ, आज का दिन शुभ फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। विशेषकर व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी रहेगा। व्यवसाय में पदोन्नति का भी योग है। पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष प्राप्त होगा। मित्रों से मुलाकात आनंद प्रदान करेगी। मिथुन, आपका दिन प्रतिकूलता लेकर आएगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। कार्य करने का उत्साह नहीं रहेगा। व्यवसायिक स्थल पर भी उच्चाधिकारी और सहकर्मचारी का व्यवहार नकारात्मक रहेगा। धन खर्च हो सकता है। संतानों के साथ मतभेद अथवा उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। कर्क, वैचारिक रूप से नकारात्मकता छाई रहने से आज दिन भर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी, इसलिए नकारात्मकता से दूर रहने की गणेश जी चेतावनी देते हैं। परिवारजनों के बीच में घर्षण ना हो, इसका ध्यान रखें। नए कार्यों का प्रारंभ आज ना करें, नए परिचय भी कुछ खास लाभदायी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। सिंह, आज पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाने से दाम्पत्य जीवन में कलेश हो सकता है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आपका मन आज उदासीन रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में अपश्यय प्राप्त ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। भागीदारों के साथ भी व्यवहार में मतभेद का निर्माण हो सकता है। कोर्ट कचहरी से दूर रहें। कन्या, व्यवसायिक क्षेत्र में आज यश प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा है। सहकर्मचारियों का सहकार प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण में सुख का अनुभव होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। आर्थिक लाभ होगा। तुला, वैचारिक रूप से विशालता और वाणी की मधुरता अन्य लोगों को प्रभावित करेगी और इससे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में मेल बना रहेगा। परिश्रम की तुलना में परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त होगा। कार्य में संभल कर आगे बढ़ना होगा। साहित्य लेखन की प्रवृत्ति में अभिरुचि बढ़ेगी। वृश्चिक, स्नेहीजनों के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता के कारण व्यग्रता बनी रहेगी। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन और कीर्ति की हानि होगी। मन में प्रसन्नता का अभाव रहने से अनिद्रा भी आपको आज सताएगी। धनु, प्रतिस्पर्धी आज परास्त होंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। स्नेहीजनों के साथ समय आनंद सहित बिताएंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ भेंट होने से हर्ष होगा। मकर, आज का दिन मिश्र फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। परिवारजनों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव के प्रसंग बनने से मन में अशांति रहेगी। विद्यार्थियों को आज अभ्यास में रुचि नहीं होगी। शेयर में पूंजी निवेश करने का आयोजन आप कर सकेंगे। गृहिणियों को आज असंतोष रहेगा। कुंभ, आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। परिवार का वातावरण आनंद से भरा रहेगा। मित्रों और परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बीतेगा। प्रवास और पर्यटन का आनंद भी आज आप उठा सकेंगे। मीन, कोर्ट कचहरी अथवा स्थावर संपत्ति की झंझट में आज ना पड़ने की गणेश जी सलाह देते हैं। आज सभी कार्यों में मन की एकाग्रता से फायदा होगा। परिवारजनों के साथ मतभेद रहेगा। मिल रहे लाभ पाने में हानि ना हो जाए, इसका ध्यान भी रखिएगा। लेन देन में सोच विचार कर फैसला करिएगा।